परफॉर्मेंस दे सके, इजीली वर्क कर सके। सारे जो डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और पीसी कैमरा, उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है और उन सब की परफॉर्मेंस में वर्किंग एरिया में हेल्पफुल रहता है कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे फंक्शंस बता दिए गए हैं। स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि आप द मेन फंक्शन ऑफ इसका, ये इसका सबसे मेन फंक्शन है कि ये स्टार्ट करता है कंप्यूटर को और रीस्टार्टिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। जब हम रीस्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर है और हम उसमें कुछ रिफ्रेश करना है या कोई फॉल्ट आ गया, तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, तो उस रीस्टार्ट के प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। ओके, व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग और आफ्टर कंप्लीट शट डाउन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोल्ड बूट। जब आप या पूरे दिन में एक दफ़ा अपना कंप्यूटर ऑन करें या सिर्फ मॉर्निंग में ऑन करें और उसको प्रॉपर शट डाउन कर दें, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका कोल्ड बूट। व्हेन, लेकिन व्हेन यू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वार्म बूट। लेकिन आप जैसे आप अपने कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हो और आपको कोई काम याद आ गया है, तो आप उसको होल्ड पे कर या रीस्टार्ट पे कर आप चले जाते हो उस काम को करने और फिर कंप्लीट करके वापस आते हो, जबकि आपने अपना कंप्यूटर प्रॉपर शट डाउन नहीं किया हुआ होता। वो हाफ स्टेज आपकी कहलाती है वार्म बूट, जहाँ पे आप अपना कंप्यूटर वहीं से ही, जहाँ पर आपने छोड़ा हुआ होता है अपना काम, वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ कहलाती है वार्म बूट। ओके, नेक्स्ट है हमारी टाइप। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो दूसरी टाइप है वो है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है? अ डिवाइस ड्राइवर ऑल्सो कॉल्ड अ ड्राइवर। अब ये वो वाला ड्राइवर नहीं है जो बस में होता है, ये वो वाला ड्राइवर नहीं है। ओके, ये मैं बताती हूँ इस ड्राइवर का क्या काम होता है। अ डिवाइस ड्राइवर ऑल्सो कॉल्ड अ ड्राइवर इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर, दैट टेल्स, जो कि हमें बताता है द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद अ डिवाइस, के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसे कम्युनिकेट करता है दूसरे डिवाइसेस के साथ। सही है, ईच डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सच एज माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। यहाँ पर एक चीज़ बता दी गई है कि एक डिवाइस का नाम बता दिया गया है कि कंप्यूटर के एक डिवाइस जैसे कि माउस और कीबोर्ड कैसे आपस में दोनों का लिंक होता है, कैसे वो आपस में वर्किंग करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इन सारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को आपस में जो बताता है वो आपका डिवाइस ड्राइवर है, जो कि इन सारी कम्युनिकेशन को कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं डिटेक्ट करता है और फिर वो बताता है कि ये आपस में काम किस तरह से कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है, थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप है। यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूटिलिटी, इट्स हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम है? यूटिलिटी वो प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ये क्या करता है? ये परफॉर्मेंस करता है, परफॉर्मेंस को देखता है कि कंप्यूटर किस तरह मैनेज हो रहा है, कंप्यूटर की मैनेजिंग पर ये नज़र रखता है कि अगर कोई ख़राबी आ रही है या कोई फॉल्ट आ रहा है उसको ये फौरन से एरर देता है और हमें उस ख़राबी के बारे में, उस एरर के बारे में आगाही देता है कि इसमें ये फॉल्ट आ रहा है। तो कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को जो मैनेज करता है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर के, चाहे वो हार्डवेयर के, ज़्यादातर तो ये हार्डवेयर के प्रोग्राम्स पर नज़र रखता है। ओके,